ये जिम इंशाल्लाह इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, साथ में टेबल टेनिस और क्रिकेट हार्ड बॉल। बच्चे थोड़े अपग्रेड करें क्योंकि कोई इतने खास बच्चे नहीं है, हम लोग बेचारे यहाँ पे ऐसे बैठे रह जाते हैं। लेकिन एक अगर एक शक्ल आप बार बार देखोगे तो यही समझेगी कि यार ये मेरे पीछे पड़ा हुआ। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए। मैं ये चाहूंगी कि वाईफाई का बहुत ज्यादा इशू है यूनिवर्सिटी में। देखिए अटेंडेंस बहुत ज्यादा 80% मिनिमम 40% तक होनी चाहिए। खुलेआम चीटिंग कर रहे थे यार। रिदा जहूर हमारे साथ मौजूद है, ये बताए यूनिवर्सिटी में क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? एक तो आई थिंक फेवरेटिज्म जो टीचर्स करते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, वो नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली कैफ़े में जो चीज़ें हैं मास्टर्स वालों के लिए तो बचता ही नहीं है, तो हम जाते हैं और शाम को नहीं होते, बिल्कुल नहीं होता। okay. शाम को जो थोड़े से बस खाना बचा होता है वही हमें दे देते हैं। okay. जो बचा हुआ खाना है वो आपके लिए, वो मास्टर्स तो उनको खाना रखना चाहिए। ओके पेपर कर रहा था, मोबाइल रखा हुआ था, सारा यार केस बना दिया। सबसे पहले ये केस बना दिया यार, फाइन दे दिया। तो ये चाहेंगे कि सबसे पहले ये केस वगैरह सीन खत्म करें, खुलेआम चीटिंग करने दे यार, उनसे उनको क्या फर्क पड़ेगा, पेपर पास कर दे के पास होना चाहिए, कोई सीन नहीं है यार ऐसा यार। नो नो आप देख सकते हैं ये म्यूजिशियंस यहाँ बैठे हैं, तो बाकी सब के लिए स्पोर्ट्स के लिए भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड अवेलेबल है, वॉलीबॉल कोर्ट अवेलेबल है, जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल है, इस तरह इनके लिए भी एक जैमिंग रूम होना चाहिए। ओके में सबसे पहली बात तो ये कि अटेंडेंस बहुत ज्यादा 80% मिनिमम 40% तक होनी चाहिए। ओके और हम चाह रहे हैं कि मिड्स भी नहीं हो, फाइनल्स भी ना हो, बस असाइनमेंट दें और पास हो जाएं, बस ये छोटी सी ख्वाहिश है हमारी। अब देखें कैफे हमारा कितना छोटा सा, इतना कंजेस्टेड सा हमारा कैफे है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ तोड़ दें या तो बर्बाद कर दें इस कैफे को, इसकी जगह ठेले लगा दें, ज्यादा बेहतर है। हाँ, ठेले में ज्यादा बेहतर है। और मैं ये चाहूंगी कि वाईफाई का बहुत ज्यादा इशू है यूनिवर्सिटी में, तो हमारे लिए वाईफाई तेज होना चाहिए। इससे मैं चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में काफी सारे इवेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चे ज्यादा एंगेज हो जाए, तो हर तरह के इवेंट्स हो ताकि बच्चे खुश रहे और यूनिवर्सिटी में इवेंट्स होना चाहिए। जैसे अभी आपको पता है इकरा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट काउंसिल का होना मना है, और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट काउंसिल होना चाहिए, होना चाहिए कि स्टूडेंट्स सारे मिलके उनकी एक यूनाइटेड वॉइस होनी चाहिए जिसपे वो कंप्लेंट्स डालें, चेंजेस लाएं यूनिवर्सिटी में, जो हमें चीज़ें जो पसंद नहीं है और जो पसंद है उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकें, हम अपने हायर अप से HOD से और डीन से हम डिस्कशन करके बोले यार कि हमें ये चेंजेस चाहिए। डेमोक्रेटिक काउंसिल होना, डेमोक्रेटिक होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी फॉर द स्टूडेंट्स होती है एंड द स्टूडेंट्स शुड बी अलाउड टू यू नो मेक चेंजेस। यस यस यूनिवर्सिटी में जो है ना ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स इवेंट हो और इधर म्यूजिकल वगैरह और जितने भी चीजें हैं, क्योंकि म्यूजिक इवेंट्स हो जैसे क्रिकेट देखें आप, क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है इधर, क्रिकेट के लिए ग्राउंड है, क्रिकेट के लिए कभी इधर को खेल रहा था कभी इधर किसी को लग जाए सो मसाला। okay. इसलिए okay. जैसे फुटबॉल कोर्ट बना है इस तरह क्रिकेट का, क्रिकेट का होना चाहिए। हमारे जो टीचर्स हैं ना उनको बेहतरीन होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज के आपको गांधी जी के बारे में तो पता होगा, द ग्रेट गांधी। जी जी बिल्कुल, तो उनके बारे में सवाल ये है कि गांधी जी कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? गांधी जी कपड़े क्यों नहीं पहनते यार? बच्चे थोड़े अपग्रेड करें क्योंकि कोई इतने खास बच्चे नहीं है, हम लोग बेचारे यहाँ पे ऐसे बैठे रह जाते हैं। गजब बेइज्जती है। तो कोई बच्चे अपग्रेड करें, बच्चे हैं मतलब काम के नहीं है? नहीं, बच्चे बिल्कुल काम के नहीं है। उनको अपग्रेड होना चाहिए। हाँ, थोड़ा अपग्रेड करें ताकि हम भी देखने के काबिल रहे समझे। सर मुदस्सिर हमारे साथ मौजूद है, आप तो जानते होंगे हमारे स्पोर्ट्स का इंचार्ज। जिस तरह हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया इसमें मुझे अब लगता है कि और चेंज करनी चाहिए, जिम इंशाल्लाह इसमें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, साथ में टेबल टेनिस और क्रिकेट हार्ड बॉल, ताकि हमारे बच्चे हमारे जनरेशन इसमें आए और हेल्थी लाइफ की तरफ आ जाए और एक अच्छा सा मोटिवेशन सबको दें ताकि हेल्थी लाइफ बना सकें और बीमारियों से हम दूर रह सकें। ओके थैंक यू सर। सर की तरफ से एक नया चीज़ हमारे यूनिवर्सिटी में, जिम आने वाला है और टेबल टेनिस भी आने वाला है, हार्ड बॉल कोर्ट आने वाला है, हार्ड बॉल कोर्ट भी आने वाला है। सबसे पहले तो क्लासेस बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी यूनिवर्सिटी को बड़ा होना चाहिए और जो यूनिवर्सिटी भी बढ़ाना है, बड़ा होना चाहिए और जो टीचर्स वगैरह उन्हें भी थोड़ा कोऑपरेटिव होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि जी जैसे मोंटेसरी में इतनी स्ट्रिक्टनेस करते हैं उस तरह की स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन, चीटिंग छोड़ना चाहिए थोड़ा बहुत, कह सकते हैं। ओके मैं यूनिवर्सिटी का डीन होता तो मेरी प्रेफरेंस ये होती कि
एक किस्म से अगर देखें तो इकड़ा यूनिवर्सिटी वाले ये सही कह रहे हैं कि आपका नेटवर्क जो है वो बिल्ड हो जाता है अगर आप डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट बच्चे, आपने देखा होगा यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि भाई एक क्लास है उसके अंदर सेम बच्चे हैं और वो एंड तक एक साथ जा रहे हैं, डिफरेंट क्लास में आपको डिफरेंट बच्चे मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आता है, मिक्स हो गए। हाँ, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो 80-85% वो इंट्रोवर्ट है, तो वो हमेशा उन लोगों को चूज़ करेगी जो ऑलरेडी जो जानते हैं एक दूसरे को, तो हम वो नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जो बच्चों की एक वो क्लास की जो याद होती है, वो 8 semester साथ गुजारे हैं, पूरा एक क्लास का माहौल होता है, वो बच्चे मिस करेंगे। मैं ये चीज़ वो नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। ओके, इधर क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, पढ़ाई नहीं है एक इधर, वो तो खैर वो भी सही है, सब कुछ ठीक है, पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, पढ़ाई के अलावा सब कुछ ठीक है, आप क्या चेंजेस लाना चाहोगे? यार यूनिवर्सिटी के लिहाज से मैं आपको बताऊँ, पहले यहाँ क्रिकेट ग्राउंड लगा था, ये जिस तरह भाई ने बात की है, आपका भी मुतालबा क्रिकेट, मेरा भी बिल्कुल यही मुतालबा है क्योंकि हम दोनों क्रिकेट के शौकीन हैं, हम खेलते भी थे। बाकी मैं बात करना चाहूँगा लड़कियों की ड्रेसिंग पे, लड़कियों के मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की जाए ड्रेसिंग पे। अब देखें कुछ नमाजी होते हैं, कुछ कैसे होते हैं मंदे यहाँ पे, मतलब चलो सर्दियों में फिर कुछ ठीक रहता है, गर्मियों में मतलब बहुत ओपन माहौल हो जाता है, तो इस पर मैं चाहूँगा कुछ स्ट्रिक्टनेस इनको रखनी चाहिए, कुछ फाइन रखना चाहिए इनको, लड़कियों के कपड़े ठीक होने चाहिए, लड़कियों के कपड़े ठीक होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी चेंज करनी चाहिए, तो यूनिवर्सिटी चेंज होना चाहिए। कैमरा साफ करो, इसके आगे ब्राइट करो, इसको ब्राइट करो, हाथ से कवर करना किया, टिश्यू है जी, ऑन कर रखो, हाथ ले इधर से थोड़ा सा, आराम की ना, पाक दे। मैं यूनिवर्सिटी में पर्दा लाना चाहूँगा क्योंकि आपको पता है हर 2 मिनट बाद हमारे मूड स्विंग हो जाते हैं और मूड खराब हो जाते हैं, तो पर्दा ना होने की वजह से आपके मूड खराब हो जाते हैं। मार का खोपड़ी तोड़ साले का, मार तेरी। तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो लड़कियों को सबसे पहले पर्दा थोड़ा करना चाहिए, ठीक है, पर्दा करना चाहिए क्योंकि इस्लाम भी हमारा यही कहता है, ठीक है। हमारी ना म्यूजिक सोसाइटी इतनी स्ट्रांग है, ना मीडिया सोसाइटी स्ट्रांग है, हम मतलब देख नहीं रहे कि कोई इधर काम कर रहा है, जाके उधर मूवीज बन रही हैं या एक सोसाइटी मिलजुल के एक नई चीज लेके आ रही है, इस तरह के काम नहीं हो। स्ट्रांग सोसाइटीज होनी चाहिए, स्ट्रांग सोसाइटीज होनी चाहिए। ओके, अदर माय पर्सनल फेवरेट टेनिस लीग इसमें टेबल टेनिस नहीं है, टेबल टेनिस। गर्ल्स के लिए मसला होता है कि यहाँ पे कॉमन रूम नहीं है, एक ही मस्जिद होता है और उसमें सारा खाना पीना सब कुछ और होता है, तो उसके लिए एक कॉमन प्लेस बनाना चाहिए ताकि लड़कियों के लिए एक रूम होना चाहिए। ओके, अगर रिसेंट देखा जाए तो जो भी पॉलिसी बनाई है कि डिपार्टमेंटल वाइज क्लासेस में बैठा जाएगा जैसे सीएस वाले सीएस वालों के साथ, तो ये पॉलिसी आई किस ख़त्म करनी चाहिए। इसके कुछ रीजंस हैं, एक रीज़न ये है कि एक ही शक्लें बार बार हर क्लास में देखने से बंदा थक जाता है, दूसरा ये है कि जी आगे हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना होता है, तो यू शुड बी एबल टू सोशलाइज। ओके, हमें दूसरों के साथ, रैंडम लोगों के साथ, डिफरेंट सेमेस्टर्स के लोगों के साथ, उसका ये फ़ायदा भी होता है कि कल को अगर हमारे साथ फैशन वाला दोस्त भी है, मीडिया वाला भी है, BBA वाला भी है, कल को हमारी एक सर्कल बड़ा होगा, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे। यार सबसे पहले तो यहाँ पर कोई इवेंट्स ही नहीं होता, इवेंट्स नहीं होते जी, तो इवेंट्स सबसे पहले, और उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी को बड़ी करनी चाहिए। ये दीवार थोड़ी छोटी है, बहुत ज्यादा, इनके पास जगह नहीं है, एक शक्ल 20 मरतबा देखने को मिलता है, सेम शक्ल, आवाम भी ज्यादा होनी चाहिए, और क्रिकेट का ग्राउंड भी होना चाहिए। आपका मुतालबा है कि ज्यादा शक्लें देने को मिलनी चाहिए, देखने को मिलनी ज्यादा देखने में, लेकिन एक अगर एक शक्ल आप बार बार देखोगे तो यही समझेगी कि यार ये मेरे पीछे पड़ा हुआ। तो तुम्हारा मतलब है कि यूनिवर्सिटी इतनी छोटी है कि बार बार लोग सामने आते हैं और उनको ये लगता है कि हम उनके पीछे पड़े, बिल्कुल इसी तरह। ओके, गुड पॉइंट, और बड़ा करना चाहिए और छुट्टी है, हाँ, और इवेंट्स ज्यादा होने चाहिए, इवेंट्स होना चाहिए। मैं यही सोच के आई थी कि यहाँ पे इवेंट्स ज्यादा होते हैं, तो आई गॉट इवेंट्स नहीं है, नहीं बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स होने चाहिए, एग्जैक्टली, चिल करवाऊंगा, एक स्विमिंग पूल भी दे दिया जाए यहाँ पे, एक जिम भी दे दी जाए। ओके, और वैसे जिम वो ला रहे हैं मेरे ख्याल, और इसके अलावा हमें हमारे यहाँ पे क्रिकेट के लिए कोई स्पेस नहीं है, क्रिकेट के लिए स्पेस नहीं, उसके लिए वो भी होना चाहिए।